हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आज है संडे और ये है संडे अपडेट की वीडियो। और फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, मतलब आज है काइट फेस्टिवल, आज है पोंगल और आज है लोहरी। मतलब सभी पंजाबी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी को हैप्पी लोहरी, और जितने भी मेरे तमिलनाडु के फ्रेंड्स हैं उनके लिए हैप्पी पोंगल, और जितने भी मेरे गुजराती फ्रेंड्स हैं उनके लिए हैप्पी मकर संक्रांति, जो है काइट फेस्टिवल। हमारे गुजरात में मतलब आज के दिन बहुत ही ज़्यादा काइट्स उड़ाए जाते हैं, पतंगबाजियाँ बहुत ही होती है आज के दिन। आज का दिन हमारे गुजरात में काइट फेस्टिवल के दिन से भी जाना जाता है। और बहुत सारे लोग जो विदेश से आते हैं और पतंग उड़ाते हैं, और जैसे कि आज हमारे टेरेस पे भी पतंगबाजियाँ होने वाली है, और हर एक के घर में आज पतंगबाजियाँ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अपार्टमेंट जहाँ पे कितने सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, और हर एक के घर में पतंगबाजियाँ होती रहती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी संडे अपडेट की वीडियो मकर संक्रांति के इस शुभ दिन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आज स्टार्ट करूँगा मेरे रोज़ प्लांट के थ्रू, के रोज़ प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि अभी इनकी सीज़न चल रही है। और ये है मेरे देसी रोज़ का प्लांट, और देसी रोज़ के प्लांट हमारे फुल सीज़न चलते रहते हैं, 12 महीने चलते रहते हैं। तो मेरे यहाँ तो अभी देसी रोज़ बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये है मेरे बटन रोज़ का प्लांट, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब इसकी सीज़न अभी है। ये है मेरा दूसरा देसी रोज़ का प्लांट, देखिए कितने सारे बर्ड्स इसके ऊपर निकल रहे हैं, और प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। लगभग मैं गिनती करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 बर्ड इसके ऊपर निकले हुए हैं। और मैंने 2 फ्लावर्स अभी रिसेंटली काटे हैं इसके ऊपर से, देखिए ये एक फ्लावर मैंने काटा है, दूसरा देखिए मैंने एक यहाँ से एक फ्लावर काटा है। तो मतलब 6-7 फ्लावरिंग हो रहे थे इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। और दूसरा मैंने ये दूसरे नए देसी रोज़ का प्लांट लाया हूँ मेरे समर सीज़न के लिए, तैयारी में अब धीरे धीरे स्टार्ट करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं समर सीजन्स के प्लांट्स लाना स्टार्ट करूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। ये है मेरा प्लूमेरिया का प्लांट, जो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी टाइप का फ्लावरिंग मुझे नहीं दिखा। तो मैं ये प्लांट को थोड़ा और टाइम दूंगा, ये करेगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करता रहूँगा, जो मेरे घर पे ही मैं बनाता हूँ। जो मैंने एक वीडियो मेरी अपडेट की थी, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि मैं कैसे लो बजट में अपने घर पे एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, एक घर पे मेरे यहाँ पतंग आया है, वो मैं पकड़ लिया है मैंने, और आज शाम को हम एंजॉय करेंगे हमारे टेरेस पे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने थोड़े मेरे प्लांट्स पीछे की साइड ले लिए हैं, क्योंकि इतनी जगह मुझे थोड़ी खाली करनी पड़ी थी। और आज हमारे टेरेस पे भी थोड़ी मैं भी थोड़ी पतंगबाजियाँ करूँगा, और थोड़ी पार्टी जैसी भी होगी। ये पूरा एरिया मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, और मेरे प्लांट्स किसी को प्रॉब्लम ना दे वो हिसाब से मैंने प्लांट्स को रखा है। ये है मेरा नींबू का प्लांट, जो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स। लेकिन बस मैं इसके ऊपर की फ्लावरिंग की राह देख रहा हूँ, जैसे इसकी सीज़न आएगी फेब्रुवरी में, तो इसके ऊपर लेमन होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि ठंडियाँ अभी ख़त्म होने को है, और ठंडियों की सीज़न में ये जो मेरे विंका के प्लांट्स हैं उसके ऊपर येलो लीव्स आ रहे थे और सारे लीव्स झड़ रहे थे। तो मेरे एक व्यूअर की कमेंट आई थी कि उनके जो विंका के प्लांट्स हैं, विंका के प्लांट्स के ऊपर नीचे के सारे लीव्स येलो होके झड़ गए थे और सब ऊपर के लीव्स रह गए थे। तो मैंने उनको कमेंट किया था, मेरे प्लांट्स में भी सेम वही प्रॉब्लम है, क्योंकि विंका एक समर प्लांट है, उसको अच्छी खासी वार्म क्लाइमेट चाहिए तो ही वो अच्छा ग्रो करेगा। इसीलिए मैं, देखिए ये भाई अपने पतंगबाजियाँ करने वाले हैं, देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही शर्मा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा विंका का प्लांट, जो विंका के प्लांट में ये मतलब इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट में वो अच्छे खासे ब्लूम करेंगे, वार्म क्लाइमेट में वो अच्छे खासे इसके लीव्स भी ग्रो होंगे। लेकिन जैसे ही ठंडियाँ कुछ ज़्यादा पड़ जाती है, तब विंका के प्लांट्स के लीव्स येलो होके झड़ने लगते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरा बालसम, बालसम भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और ये है मेरे कोलियस के प्लांट्स,
जो अभी फ़िलहाल ये बोतल के अंदर मैंने ग्रो किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स ये। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मेरे प्लांट्स हैं, ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो अब तो इसकी सीज़न बहुत ही अच्छी आएगी क्योंकि वार्म क्लाइमेट जनरली इंडियन में, हमारे एशियन क्लाइमेट में होता क्या है, जनरली हमारे अक्टूबर या तो सितंबर तक अच्छी खासी गर्मियां रहती हैं। तो हमें ऐसे प्लांट्स ही जनरली लाने चाहिए जो वार्म क्लाइमेट के अंदर डिपेंड हो और अच्छे ग्रो कर सकें। ये देखिए सारे मेरे प्लांट्स हैं वो वार्म क्लाइमेट के ही प्लांट है और मैंने शेडी एरिया में रखे हैं और बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये है मेरा मनी प्लांट का प्लांट, इसको भी मैंने शेडी एरिया में ही रखा है और ये भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे इसके लीव्स भी बड़े हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मैंने विंका के प्लांट जो मैंने छोटे ये बोतल के अंदर ग्रो किए हैं। अब इनकी सीज़न आएगी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। ये है मेरा गॉम्फ्रीना का प्लांट और ये मैं एक प्लांट लाया था पॉइंसेटिया, जो 100 रुपये का एक छोटा सा मुझे प्लांट दिया है। बहुत ही डेलिकेट प्लांट है, इसको संभालने की बहुत टेंशन रहती है क्योंकि इसको ज़्यादा धूप अच्छी नहीं लगती, पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसके ऊपर अभी तक वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि अभी मैं इसके पीछे केयर कर रहा हूँ और मेरे से ये कितना अच्छा ग्रो हो रहा है वो उसके बाद मैं देख के आपको गाइडेंस दूंगा कि इसको अपने ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये है मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट जो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है और ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ये मेरे बोतल के अंदर। ये एक मेरे व्यूअर की कमेंट आई कि एक प्लांटर आपने लगाया था वो हमें दिखाइए, तो ये प्लांटर नहीं है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक बोतल होल्डर है जो मेरे पास वेस्ट में पड़ा हुआ था, तो मैंने ये बोतल होल्डर का उपयोग कर दिया है और उसके अंदर मैंने ये प्लांट के जो 2 कप है छोटे छोटे वो मैंने रख दिए हैं और इसके अंदर डेविल्स बैकबोन का प्लांट है वो मैंने ग्रो किया है, जो देखने में मुझे थोड़ा सुंदर लगता है, वेस्ट का बेस्ट मैंने किया है। तो ये है अपने, देखिए फ्रेंड्स कितनी नॉइज़ आ रही है क्योंकि अभी सेलिब्रेशन का मौका है और हर जगह टेरेस पे लोग पतंगबाजियां कर रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है, अभी बहुत ही खुशी का माहौल है। और ये है मेरा एडेनियम का प्लांट, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर अभी भी ये सीड्स डेवलप हो रहे हैं, गर्मियों में इसके सीड्स थोड़े पक जाएंगे तो बाद में इसकी सीडलिंग भी कर देंगे। ये है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट जो बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं, देखिए इसके ऊपर नई शूटिंग्स भी निकल रही है। हाइबिस्कस भी हमारे यहाँ 12 महीने चलता है तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और ये है मेरा दूसरा हाइबिस्कस का प्लांट, इसको मैंने जो मूंग का फर्टिलाइज़र है उसके थ्रू डेवलप किया है और ये प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर अपने बर्ड्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बर्ड्स इसके ऊपर निकल रहे हैं और ये प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। थोड़े एकाध लीव्स येलो होते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, ये अभी रिसेंटली मैं नर्सरी से लाया था और इसके ऊपर भी नई शूटिंग्स आना स्टार्ट हो गई है। ये भी मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, ये भी मैं रिसेंटली नर्सरी से लाया था। जैसे कि मैंने आगे वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि मैं हाइबिस्कस के प्लांट्स अभी थोड़े ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। ये भी हाइबिस्कस है, ये है जो एडेनियम जो मैंने कटिंग से ग्रो की थी और वो भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। आज संडे है इसलिए मैंने इसके अंदर वाटरिंग की है और काउडंग लिक्विड भी डाला है। ये है मेरा दूसरा हाइबिस्कस का प्लांट्स, ये सारे हाइबिस्कस के प्लांट्स हैं मेरे, देखिए। और ये है मेरा अलमंडा का प्लांट जो बहुत ही ख़राब हो रहा है अभी, देखिए इसके सारे लीव्स येलो हो रहे हैं, देखिए। तो मतलब अभी इसकी सीज़न नहीं है, इसकी सीज़न गर्मियों की है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी इसके ऊपर नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जितने भी नोड एरियाज़ है इसके, वहाँ से इसकी सारी नई शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरा मोगरा का प्लांट है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग नहीं हो रहे, तो ये भी समर सीज़न का प्लांट है, इसके ऊपर भी समर सीज़न में अच्छे खासे फ्लावरिंग होंगे और इसके केयर अभी इसको समर सीज़न में रेडी करने के लिए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि अभी इसको तैयार कैसे करना है फ्लावरिंग के लिए। ये है मेरा ओलियंडर का प्लांट, देखिए ओलियंडर के प्लांट में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, नई ग्रोथ हो रही है देखिए, और प्लांट भी मेरा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। कुछ लीव्स ठंडियों की वजह से येलो हो रहे हैं लेकिन अभी जैसे ही ठंडियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही है वैसे ये प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अरे
तो फ्रेंड्स ये है मेरा बोगनवेली का प्लांट। देखिए बोगनवेली के प्लांट को मैंने कट कर दिया था यहाँ से, बोगनवेली का प्लांट मैंने यहाँ से कट कर दिया था और इसके ऊपर भी नई नई शूटिंग्स आना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही अपने प्लांट को कट करते हैं तो दूसरी जगह से जितने भी नोड एरियाज है वहाँ से उसके फ्लावरिंग्स और लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ से मैंने प्लांट को कट किया था, देखिए यहाँ से कट किया था तो उसके पीछे यहाँ से सारी अपने नए लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब अब ये भी समर सीज़न में अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। ये है मेरा हरसिंगर का प्लांट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। जैसे ही एक अच्छा खासा डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ये है मेरा चांदनी का प्लांट, देखिए इसके ऊपर भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। और ये है मेरा दूसरा बोगनवेली का प्लांट, देखिए इसके ऊपर भी फ्लावरिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। लीव्स के हर एक नोड एरिया से इसके अंदर से फ्लावर निकल रहे हैं और प्लांट बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगता है। देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स है इसके और लीव्स के हर एक नोड एरिया से इसके फ्लावरिंग निकल रहे हैं। ये है मेरा कॉक्सकॉम का प्लांट जो गिलहरी ने यहाँ से काट लिया है, देखिए। तो गिलेरिया तो परेशान करती ही रहती है मुझे। इसके पीछे मेरा एक गलेडिया का प्लांट भी मेरा ख़राब हो गया है। और ये है मेरे मिर्ची के प्लांट्स, इसके ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर्स हो रहे हैं तो धीरे धीरे ये मिर्ची भी देना स्टार्ट कर देगी। और ये मैंने नॉर्मली ग्रो किया है, ये काउडंग के अंदर ग्रो नहीं किया है। और ये है मेरा लेंटेना का प्लांट जो बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है। लेंटेना भी एक समर सीज़न का प्लांट है, इसको सनलाइट अच्छी खासी चाहिए। ये है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट्स जो बग्स ने अटैक करके ये लीव्स ख़राब कर दिए हैं, लेकिन नए लीव्स इसके ऊपर आ रहे हैं और प्लांट भी मेरा अच्छा ग्रो कर रहा है। ये है मेरा एलिफेंटियस के छोटे छोटे प्लांट्स और सारे मैंने ये सब इधर रखे हुए हैं। और ये है लेंटेना, दूसरा लेंटेना का प्लांट जो मैंने काउडंग के अंदर ग्रो किया था, उसके ऊपर पूरी वीडियो मेरी मौजूद है कि काउडंग के अंदर लेंटेना को मैंने किस तरह से ग्रो किया था। और ये भी मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, कितने खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आई थी कि आपका प्लांट नहीं ग्रो करेगा काउडंग के अंदर, क्योंकि काउडंग बहुत डेंजरस है। बहुत सारे ऐसी कमेंट्स आई थी फ्रेंड्स, और कमेंट्स में मुझे ऐसा भी चैलेंज दिया गया था कि आपका प्लांट नहीं ग्रो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने भी ये चीज़ कुछ बस एक एक्सपेरिमेंट के दौर पर ही स्टार्ट की थी कि मैं काउडंग जो नॉन डिकम्पोज किया हुआ काउडंग है वो मैं यूज़ करूँ, बस एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। और उसके अंदर भी मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त कर रहा है। देखिए कितने सारे फ्लावरिंग बर्ड्स इसके निकले हुए हैं और प्लांट फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा कर रहा है मेरा, देखिए। और जो भी नोड एरियाज है वहाँ से भी नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो रही है, तो मतलब ये प्लांट भी मेरा अच्छा ग्रो कर रहा है। ये है मेरा मिर्ची का प्लांट जो मैंने काउडंग के अंदर ग्रो किया था, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए इसके नीचे से सारी नई शूटिंग्स आना स्टार्ट हो गई है, प्लांट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड ये है मेरा वीडियो, जो मेरी वीडियो संडे अपडेट की। इतने प्लांट्स है एट प्रेजेंट मेरे पास जो मैंने अच्छे खासे मेरे यहाँ ग्रो कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा गलेडिया का प्लांट जो बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था, और अभी ये पूरा मर गया है, ड्राई हो गया है। बहुत ही ख़राब लगता है जब प्लांट कोई भी ड्राई हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से नया प्लांट लाऊंगा और इसको ग्रो करूंगा। एक्चुअली मैं एक वीक के लिए आउट ऑफ स्टेशन गया था, तब इसके अंदर ओवर वाटरिंग शायद हो गई होगी। ओवर वाटरिंग से ये हालत होती है प्लांट्स की, देखिए फ्रेंड्स। तो मतलब केयर नहीं करेंगे तो प्लांट ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चलता है ये सब अपने गार्डनिंग में। तो इसको मैं रख देता हूँ अभी साइड पे। ये है मेरे पेंटास के प्लांट, बीच में ये बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग कर रहे थे तो मैंने सभी इसकी कटिंग कर दी थी। अब फिर से इसके ऊपर नए फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं। पेंटास भी एक सीजनल प्लांट है, ये भी गिलेरी ने किया है। पेंटास एक सीजनल प्लांट है, मतलब ठंडियों की सीज़न का प्लांट है, लेकिन अगर आपको 12 महीने इसको केयर करनी है तो मतलब इसको आप शेडी एरिया में रखें जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना लगे और इसको कूलनेस थोड़ी मिलनी चाहिए। ये है मेरा दूसरा मनी प्लांट का प्लांट, देखिए इसको मैंने
ये टोकरी में डाल के ग्रो किया है, इसको भी मैंने ज़्यादा धूप नहीं दी है और कम धूप में मॉइस्ट क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और पता नहीं ये कौन सा प्लांट ग्रो किया है इसके अंदर, मुझे इसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं ये कौन सा है, लेकिन जो भी है अभी मैं एट प्रेजेंट में उसको ग्रो कर रहा हूँ। और ये देखिए कुछ फ्रूट जैसा इसके ऊपर निकला हुआ है। अगर आपको किसी को भी पता हो ये कौन सा प्लांट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक फ्रूट भी निकला हुआ है इसके ऊपर, तो आप मुझे थोड़ी हेल्प करिए ये प्लांट कौन सा है वो थोड़ी बताने में। और दूसरे प्लांट्स जो है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरा प्लूमेरिया का प्लांट जो समर सीज़न प्लांट है और मुझे इसको रिपोर्ट करना है इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और दूसरा भी ये मेरा प्लूमेरिया का प्लांट है, देखिए कितना ख़राब दिखता है, सिंगल डंडी हो गई है, इसके ऊपर से सारे लीव्स झड़ गए हैं येलो होके, क्योंकि ठंडियों की सीज़न में ऐसा सब प्रॉब्लम आती रहती है। अब जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होगी तो इसके ऊपर नई शूटिंग स्टार्ट होने लगेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत मैंने ये प्लांट को दी है, वो है इसको दिया है मैंने छोटा गमला, बहुत ही छोटा गमला मैंने इसको दिया है। इसकी जो स्टेम देखिए कितनी मोटी हो गई है, तो अंदाज से मेरे अंदाज के इससे अंदर रूट्स बहुत ही अच्छे खासे डेवलप हो गए होंगे और मुझे इसके इसको एक नया गमला देना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा फिर से ग्रोथ करने लगेगा। और दूसरे प्लांट्स में मैं दिखाऊं तो ये है मेरे सारे तुलसी के प्लांट्स जो बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं और मुझे आज इसको नीचे लेना होगा क्योंकि पतंगबाजियाँ बहुत ज़ोरदार हो रही है और जो भी दोरी होती है पतंग की वो शायद मेरे प्लांट को लग सकती है और मेरे प्लांट कट सकते हैं, तो मुझे इसको बचाना है पतंग की दोरियों से। तो फ्रेंड्स ये है मेरी वीडियो संडे अपडेट की और आज है मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पतंग उड़ा के आज के दिन को सेलिब्रेट करें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। आज का दिन रविवार है, संडे है, तो आप सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें और मैं भी करूँगा। आज इवनिंग को हमारे यहाँ तो बहुत जलसा होगा, ज़बरदस्त एंजॉयमेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरी संडे अपडेट की वीडियो, मैं हूँ MJ, दिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।